बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं सुनहरी क्रांति या जिसको कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। तो ये इसको जानते हैं हमारी बागवानी फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भरपूर प्रयास किया गया, तो उसी को हम लोग सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। इस पर विशेष रूप से हमारे सेब के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया, तो ये सुनहरी क्रांति जानते हैं। इसका कलर भी जो होता है सुनहरे रंग का होता है सेब का, इसलिए सुनहरी क्रांति से नाम जानते हैं। इसके साथ साथ शहद के उत्पादन बढ़ाने को भी हम लोग सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी फल उत्पादन और शहद उत्पादन के लिए जो हम लोग प्रयास किया गया, भरपूर प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, जिससे हमारे फल का उत्पादन जो है हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों का उत्पादन और शहद का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया, तो उसको हम लोग सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। जानते हैं इसके लिए जो है 1991 से 2003 तक, यानी बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए और शहद के उत्पादन के लिए बहुत अधिक प्रयास किया गया। उस समय ये टर्म प्रचलन में भी आया, तो उसी को हम लोग सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। जानते हैं इसके लिए फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई गई। इससे 2005-06 में देखिए एक योजना चली थी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 और 06 में। इससे क्या हुआ, तमाम प्रकार के जो हमारी फल उत्पादन बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चली, जिससे हमारा उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। देखिए हमारे जो फल का, जो हमारे हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों का उत्पादन, बागवानी फसलों में सभी आता, फल सब्जियां जितनी आती सब आती हैं। बागवानी के फसलों का जो उत्पादन था हमारा 2001 में करीब बहुत कम था, 145 मिलियन टन था। सोचिए कितना कम था, यानी 2001 और 2002 में क्या था, 145 EMT मिलियन टन था हमारे बागवानी फसलों यानी फल और सब्जियों का उत्पादन था। और जो वर्तमान देखिए 2020 और 21 में, इसमें हो गया 336 EMT, इतना अधिक बढ़ गया, 336 EMT मिलियन टन फल और सब्जियों का उत्पादन हमारा बढ़ गया। जबकि देखा जाए तो इसमें फल का उत्पादन करीब 103 मिलियन टन है और जो क्षेत्रफल है करीब 7 मिलियन हेक्टेयर हमारे फलों का उत्पादन है। तो देखा जाए तो विश्व में हम लोग जो फल का उत्पादन लगभग 11% जितना विश्व फल उत्पादन होता है, उसका 11% फल का उत्पादन हमारे भारत में होता है, और सब्जियों का करीब 8.5% विश्व में जितना सब्जी उत्पादन होता है उसमें सबसे अधिक जो करीब 8.5% जो है होता है हम लोग परसेंट सब्जी का उत्पादन करते हैं। तो हर जो गोल्डन रेगुलेशन में था इतना अधिक जो प्रयास किया गया कि हम लोग वर्तमान में देखा जाए तो फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पर चाइना है फल और सब्जी के उत्पादन में, लेकिन नंबर 2 पर हमारा भारत देश फल और सब्जी के उत्पादन में स्थान रखता है। तो इससे बहुत अधिक उत्पादन बढ़ गया। इस माना इंटीग्रेटेड एक राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन भी चलाया गया 2014 में। तो ये योजनाओं चलने से तुम्हारे तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम हमारे देखिए IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बंगलोर में है, और तमाम जो हमारे IARI है, और यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में है जो है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो तमाम प्रकार के जो हमारे जो संस्थाएं पूरे देश में फैली हुई हैं जो फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ती हैं। देखिए सेब जो उसमें हमारे गोल्डन रेगुलेशन मुख्य रूप से सेब पर बहुत जोर दिया गया, जिसको हमारे ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो इसको हम लोग जो सेब को ट्रॉपिकल का जो किंग कहा जाता है, फ्रूट ऑफ द ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट यानी ठंडी जलवायु का ये किंग कहा जाता है, जबकि मुख्य रूप से हमारा आम जो होता है फलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द फ्रूट, ये सब ट्रॉपिकल का है। इसी प्रकार के जो होते हैं फल का उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया कि हमारे देश में जो है फल की उपलब्धता भी अच्छी खासी हो रही है, और इसी को हम लोग गोल्डन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा गोल्डन रेगुलेशन मुख्य रूप से क्या हो गया, बागवानी फसलों का उत्पादन और शहद के उत्पादन के लिए भी गोल्डन रेगुलेशन प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब हम लोग मधुमक्खी पालन भी करते हैं शहद के लिए, तो क्या होता है जो मधुमक्खियां होती हैं हमारे परागण का भी काम करती हैं, जिससे हमारे जो परागण अच्छा होगा तो क्या होगा फलत भी अच्छी होती है। तो ये इससे जो परागण से मधुमक्खियां परागण कार्य करती हैं, तो हमारे बागवानी फसलों का और शहद दोनों का उत्पादन बढ़ता है। तो इसको हम लोग गोल्डन रेगुलेशन या सुनहरी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो इस लेसन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।